चलो बाबू, आज हम समझेंगे कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम समझ रहे थे आपके चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हमने कुछ पॉइंट समझा हुआ था और मैंने आपको कहा था कि हम एक एक पॉइंट को डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आपका यह चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो समझते हैं इस चैप्टर में पहला पॉइंट क्या है, वो है शुद्ध पदार्थ। हालांकि इससे पहले भी हमने इस पॉइंट को समझा है कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, साथ ही साथ हमने उसके सभी भागों को, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो उसके अवयव आएंगे, दो भाग आएंगे या दो प्रकार आप कह सकते हैं उसे, वो कौन सा है, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में आप अगर जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा मिश्रण, और मिश्रण को अगर आप आगे डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा दो प्रकार उसका, वो है समांगी और विषमांगी। तो शुरू करते हैं आज का यह जबरदस्त पॉइंट, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, है ना। तो हमारे आसपास, आप अपने आसपास अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग चीज़, समुद्र का पानी देख लिया, है ना, तो कहते किसे हैं शुद्ध पदार्थ, मैंने आपको बताया ना, या यूं कहें टूटे फूटे लहजे में कहें जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो क्या है, शुद्ध पदार्थ। या फिर यूं कहें कि वे पदार्थ हमारे आसपास की वे वस्तुएं जिनके सभी अवयव समान प्रकृति के हों, हमारे आसपास के वे सभी पदार्थ जो जिसके सभी अवयव, अवयव का मतलब मान लो कोई वस्तु है, मान लो हम लकड़ी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसे रखिएगा, है ना। अगर मान ले लकड़ी को यहाँ से जगह जगह से, ये लकड़ी का एक गुटका मान लीजिए आप, है ना, अब इसके सभी अवयव, ये जिन जिन अवयव से बना है वो सभी एक जैसे हो, वो सभी क्या हो, एक जैसे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। चलो अगला समझ लेते हैं बाबू, दूध, सबसे ज़्यादा मिलावट इसी में की जाती है, की जाती है कि नहीं की जाती है। अब अगर दूध मान लो, दूध में जितने भी अवयव हैं, जितने भी पदार्थ उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जितने अवयव पाए जाते हैं, अगर आप पानी मिलाओगे तो उनकी मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, उनका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो शुद्ध नहीं रह जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। जब किसी चीज़ में मिलावट कर दी जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, वो अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध समझ में आया कि नहीं, शुद्ध समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे आसपास के वे पदार्थ जिनके सभी अवयवीकरण समान प्रकृति के हों, समान स्वभाव के हों, उसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। गांव में एक आध आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, उनके लड़के सीधे होते हैं, उनके पोते सीधे होते हैं, तो ये क्या है, इसका मतलब आप क्या कहोगे, वो शुद्ध पदार्थ हैं। बात समझ में, मतलब जिनके सभी अवयवी कण, मतलब जिन कणों से वो मिलकर बना है, जिन अवयवों से वो मिलकर बना है, वो सभी के सभी एक जैसे हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, शुद्ध पदार्थ कहोगे। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ में हम समझते हैं पहला पॉइंट तत्व के बारे में। आप जानते हो शुद्ध पदार्थ में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, पहला आपको पढ़ना है बेटा तत्व, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या, यौगिक पढ़ना है, जिसमें से आज आप पढ़ोगे किसके बारे में, तत्व के बारे में, ठीक है। तत्व को तत्व किसने कहा, या फिर तत्व के बारे में जो विचारधारा है वो किसने दी, तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में एक विचारधारा तत्व के बारे में एक वक्तव्य कहा था, वो क्या कहा था वो हम समझते हैं। इन्होंने कहा था कि तत्व क्या होता है, जैसे दिमाग में आएगा तत्व क्या होता है, तो आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बनेगा, एक समान का मतलब जिसके सभी अवयव कैसे हों, एक जैसे हों, समान प्रकृति के हों, वही तो शुद्ध पदार्थ था हमारा, था कि नहीं। शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसके सभी अवयवीकरण क्या हों, समान हों। तो तत्व में क्या है, रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा था कि वह पदार्थ
जिसे चाहे भौतिक, जिसके अवयवी कण को चाहे भौतिक विधि द्वारा चाहे रासायनिक विधि द्वारा अलग ना किया जा सके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब वह पदार्थ, इनकी विचारधारा मैं आपको लिखी देता हूँ, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है जिसे जिसे भौतिक वह रासायनिक विधि द्वारा जिसे भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा विधि द्वारा आगे विभाज जिसे विधि द्वारा विभाजित न किया जा किया जा सके। बातें समझ में आई कि नहीं? रॉबर्ट बॉयल ने कहा था सन 1661 ईस्वी में कि तत्व क्या है जिसे चाहे भौतिक विधि द्वारा, मतलब ये चाक है, ये भौतिक अवस्था है, ये मैंने तोड़ दिया, ये भौतिक विधि से चाक क्या हो गया, अलग हो गया, रासायनिक विधि से इसे पानी में मिला दे, अब ये क्या हो गया, इसके सभी अवयवी कण क्या हो गए, अलग हो गए, तो तत्व को आप अलग नहीं कर सकते, चाहे भौतिक विधि की बात करें चाहे रासायनिक विधि की बात करें। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अब देखो, एक सोना है, सोना तत्व का एग्जाम्पल है। अब सोना, ये सोने की एक कोई प्लेट है, मान लो यहाँ से आप इसे गर्म करोगे तो आगे जाके वो मिलेगा क्या? गर्म करके अलग करोगे तब भी वो क्या रहेगा? सोना ही तो रहेगा। छोटे छोटे बूंदे बना दोगे तब भी वो क्या रहेगा? सोना रहेगा। चाहे पीट पीट के, कितना भी पीट के पतला बना दो, पतला बना दो तब भी वो क्या रहेगा? सोना रहेगा। मतलब तत्व वह होता है, बॉयल ने कहा, रॉबर्ट बॉयल ने कहा, तत्व वह होता है जिसे ना तो भौतिक विधि द्वारा और ना तो रासायनिक विधि द्वारा आगे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तत्व कहेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो आगे बढ़े। इसकी दूसरी परिभाषा आप यूं दे सकते हैं कि जो एक समान परमाणु से मिलकर बने, एक समान वह पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हो वो क्या कहलाएगा? परमाणुओं से मिलकर बना हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा क्या? वो कहलाएगा तत्व। दो परिभाषाएं आपके सामने हो गई। रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि तत्व वह पदार्थ जिसे ना तो भौतिक और ना ही रासायनिक विधि द्वारा आगे दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ दूसरी परिभाषा आपको आसान लगेगी कि जो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हो वो क्या कहलाएगा? वो तत्व कहलाएगा। बातें यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम आगे क्या करना है, अब हम करेंगे तत्वों का क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। मतलब आगे चल के हम तत्व को कई भागों में बांट के समझने वाले हैं, है ना? तो तत्व को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो बेटा तत्व को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो याद रखिएगा, तत्व को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है बेटा आपका क्या? धातु। और दूसरा है बेटा आपका अधातु। और तीसरा है बेटा आपका क्या? उपधातु। ये याद रखिएगा, तत्व को आगे आप अगर विभाजित करना चाहो तो उसे आप बांट सकते हो। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़े, अब समझते हैं धातु के बारे में, धातु क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं धातु के बारे में, क्या होता है धातु, ठीक है, समझे। तो देखिए धातु क्या होता है, एकदम बेसिक सी परिभाषा,
एकदम टूटी फूटी परिभाषा, वह वस्तु वह पदार्थ जो क्या हो जाए, पीटने पर फैल जाए, आवाज करे, जो विद्युत और उष्मा का क्या हो, सुचालक हो, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी धातु। या फिर अगर आपको अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या धातु की जो परिभाषा है, धातु वह होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में, धातु वह होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन प्राप्त करता हो या प्राप्त कर ले। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वह पदार्थ, धातु पूछेगा धातु किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या प्राप्त कर ले, धन आयन प्राप्त कर ले, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे धातु। बातें समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, Na, सोडियम। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या काम करता है, सोडियम क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक इलेक्ट्रॉन, आगे मैं आपको जब कभी भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इलेक्ट्रॉन भरना बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि कैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब आपको बोरबरी का नियम पढ़ाया जाएगा, जब आपको आप बाऊ का नियम पढ़ाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो धातु वह होती है जो क्या काम करती है, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन अपने आप को बना ले, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धातु। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, देखिए यहाँ सोडियम था, यहाँ पे क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, वो हमारा क्या होगा, धातु होगा, वो क्या होगा, धातु होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब देखो ध्यान से समझो बेटा, बहुत आसान है। धातु वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं धातु। ठीक है, अब लगे हाथ धातु के कुछ गुण के बारे में पढ़ लीजिए। धातु के गुण क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है? तो बेटा एक मैं आपको रामबाण दे रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। धातु की सबसे आसान पहचान क्या है, धातु की सबसे आसान पहचान है बाबू यम। क्या है यम? जिसके लास्ट में आपको यम दिख जाए, जिसके लास्ट में आपको यम दिख जाए, जैसे सोडियम, ये लास्ट में क्या आया, यम। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम, लास्ट में क्या आया, यम। पोटेशियम, समझ रहे कि नहीं, पोटेशियम यम आया कि नहीं आया? तो जिसके बेटा लास्ट में यम आ गया ना, दिमाग में रखो कि वो क्या है, वो धातु है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। अगर धातु का नाम नहीं आ जाता, पीरियाडिक टेबल याद है तो फटाफट पढ़ो भैया, हीलियम क्या होगी, है ना? तो केवल दिमाग में, जिसके इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कापर देख रहे हैं, ये कापर क्या है, ये जिंक है, देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये थोड़े से अपवाद भी रहेंगे, लेकिन केवल जिंक और सल्फर, जिंक आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सारे आपको पीरियाडिक टेबल में मिल जाएंगे जिनके लास्ट में यम आएगा, आप उसको क्या करिएगा,
बिना सोचे समझे कहिएगा ये क्या है, धातु है। हाँ, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। अब अगर पहचान लेंगे तो आगे बढ़ते हैं बेटा, समझते हैं धातु के गुण। तो पहला गुण धातु का क्या है? पहला गुण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? पहला गुण क्या है? आघात वर्धनीयता। धातु की एकदम आसान पहचान है, जब धातु को पीटोगे वो क्या होगी? आघात, चोट करोगे, वर्ध बढ़ेगी, फैल जाएगी। वह पदार्थ जिसे पीटने पे वो फैल जाए वो क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरा पॉइंट क्या है? चालकता। क्या है? चालकता। चालकता का मतलब क्या है? जिससे बिजली और उष्मा दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका ये डस्टर है, अगर इस वाले भाग को आग में डाल दिया जाए तो क्या ये वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। अगर लोहा का अगला हिस्सा आग में डाल दिया जाए तो पीछे वाला गर्म होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब वो क्या है? वो क्या है? धातु है ना। वो क्या है? धातु है ना। आघात वर्धनीयता। अब आपके घर लोहे की कील है, उसे पीटोगे तो फैल के चौड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लोहे का जो कील है उसको क्या करोगे? अगला हिस्सा आग में डाल दोगे, पिछला हिस्सा गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कभी कभी कलछुल उलछुल भुला जाते हो कड़ाही में, तो वो अगला हिस्सा रहता है कड़ाही में और पिछला वाला हिस्सा गर्म हो जाता है, तो फिर कपड़ा का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो? तो जो तुम्हारी कलछुल है वो, इसका मतलब वो भी क्या है? धातु है। क्या है वो? धातु है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना? कलछुल में तार लपेट लेना और प्लक लगा के कलछुल पकड़ लेना, चेक कर लो धातु है कि नहीं है। पता चल जाएगा, झटका भी लग जाएगा, जिंदगी भर नहीं भुलाओगे। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो क्या होती है? बिजली की चालक होती है। विद्युत और उष्मा का क्या होती है? चालक होती है। आप पता लगाना चाहो तो प्रेक्षक लाभ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चमक। आगे क्या है? चमक। चमक, चमक का मतलब क्या है? जितने धातुएं हैं, जितनी धातु है सबकी चमक क्या होती है? अलग अलग होती है। हर धातु की अपनी अपनी एक चमक होती है। लोहा पीट पीट के करोगे तो हल्का हल्का सफ़ेद जैसा होगा, चमक आएगी, लेकिन रहेगा तो काला ही। सोना को पीट पीट के करोगे लेकिन रहेगा तो पीला ही। चांदी को पीट पीट के कितना भी चौड़ा बनाओगे रहेगा क्या? सफ़ेद ही है ना। तो हर धातु की अपनी विशेष क्या होती है? एक चमक होती है। तो धातु के गुण समझ में आए कि नहीं बेटा? आघात वर्धनीयता, पीटने पे वो फैल जाएगी। चालकता है ना, उससे बिजली और उष्मा दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान उससे होकर जा सकती हैं। और चमक, हर धातु की अपनी क्या होती है? एक अपनी विशेष चमक होती है। हर धातु की अपनी अपनी विशेष चमक होती है। और एक पॉइंट और आपको बता दूं, पीटना, धातु को पीटोगे तो वो क्या करेगी? आवाज करेगी। धातु को पीटेंगे तो क्या होगी? वो आवाज करेगी। हालांकि अगर आपको भी पीटा जाए तो आप भी आवाज करोगे, है ना? अगर आपको पीटा जाए तो आवाज आप भी करोगे, लेकिन आप पीटने पे फैलोगे नहीं, सिकुड़ जाओगे, सर जी मत मारिए, है कि नहीं? आप अगर, हाँ, आप विद्युत के सुचालक बन सकते हैं जब तक कि आपके पास क्या है? ब्लड है। चमक, चमक तो नहीं आएगी, लाल भले हो जाओगे, है ना? आपके अंदर चमक नहीं आने वाली। आप पीटे जाओगे तो लाल हो जाओगे लेकिन चमक नहीं आने वाली है। हाँ, घर से जब चमक लेके आओ, चमक गायब भले हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और आवाज़ आप करोगे, जितना पीटे जाओगे उतना तेज तेज से चिल्लाओगे। तो ये क्या है? धातु के लक्षण। आघात वर्धनीयता, पीटने पे क्या करेगी? आवाज करेगी। और इससे होके बिजली या उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। तो बेटा जिससे होकर जाती है उसे आप जानते हो, उसे कहा जाता है क्या? सुचालक। वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा व विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सुचालक। और चमक, हर धातु की अपनी क्या होती है? एक विशेष चमक होती है। और साथ ही साथ धातुओं को पीटने पे वो क्या करती है? आवाज करती है। ठीक है, अब बेटा अगले वीडियो में पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।